हेलो एवरीवन, सो आई होप द वीडियो इज क्लियर। क्या हम लाइव आ चुके हैं? जल्दी से बताइए, आर वी लाइव? क्या आप तक वीडियो पहुंच चुकी है? फटाफट बताओ मुझे, इज द वीडियो विजिबल टू ऑल ऑफ यू? बताओ जी, बताओ बताओ जी, बताओ, क्या वीडियो आप तक पहुंच चुकी है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। तो गाइस, द न्यू केयर इज न्यू कोर्स इज हेयर, न्यू कोर्स इज हेयर। और यहां पे आईसीआई ने कई सारी इंफॉर्मेशन दे दी है। जैसा आप देख सकते हो, कहीं ना कहीं जो आईसीआई की वेबसाइट है, वहां पे ये इंफॉर्मेशन आ चुकी है। और सर, इस इंफॉर्मेशन में साफ साफ अगर आप देखोगे तो आपके पास प्रॉपर इन्होंने डेट्स दे दी हैं, कब से सारी चीजें होने वाली हैं। एवरीथिंग हैज बीन क्लियर हियर। तो आपके साथ मैं एक बार फटाफट डिस्कशन कर देता हूं सर, क्या क्या चीजें आपने ध्यान में रखनी है। प्लीज मेक श्योर आप चीजों को एक बार अच्छे से समझते चले, ठीक है सर? देखो, सबसे पहले क्या समझना है, एक एक करके आईसीआई ने हर चीज पे क्लैरिटी दी है। अगर आप इस डॉक्यूमेंट को अच्छे से देखो, यू विल गेट टू नो अ लॉट ऑफ क्लैरिटी हैज बीन गिवन ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स। लेट्स सी सर क्या क्या दिया है। जो मुझे मोटे मोटे चेंजेस इसमें दिखे हैं, एक बार मैं फटाफट उनके आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं सर। क्या ये कहता है कि आपने अपनी 12वीं की एग्जामिनेशन जो है, आपने अपनी क्लास 12th और फाउंडेशन की एग्जामिनेशन क्लियर करी, उसके बाद आप कहीं ना कहीं इंटरमीडिएट के लिए रजिस्टर कर सकते हो। मैंने कहा बिल्कुल ठीक। अब इसके साथ साथ एक बात ध्यान रखना, यहां पे इन्होंने अंडर ग्रेजुएशन को भी अलाउ किया है। यानी जो डायरेक्ट स्कीम आती थी, आज भी वो कहीं ना कहीं एप्लीकेबल दिख रही है। बट मोर डिटेल्स आई थिंक विल बी शेयर्ड बाय आईसीआई। फिर सर ये देखो क्या कहता है, इंटरमीडिएट के लिए आपको स्टडी पीरियड लगभग 8 मंथ्स मिलेगा। आई थिंक अभी भी 8 to 9 months मिलता है, सो दैट विल बी समवेयर ऑन द सिमिलर लाइन। फिर जब आप बोथ ग्रुप्स पास करोगे, कहीं ना कहीं व्हेन यू विल पास बोथ द ग्रुप्स, उसके साथ साथ जब आप अपनी ITOT करोगे, जो अभी अपनी क्या होती थी, जो आप ITT करते थे, जो आप ओरिएंटेशन कोर्स करते थे, वो चीज कंप्लीट करोगे और साथ ही साथ इंटरमीडिएट कंप्लीट करोगे। जब ये दोनों चीजें कंप्लीट हो जाएंगी, उसके बाद इन्होंने फ्लो चार्ट में डाला है सर क्या, फिर आपकी 2 साल की आर्टिकलशिप शुरू होगी, फिर जाके आपकी 2 साल की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग शुरू होगी। तो यहां पे चेंज क्या आया, जल्दी से बताओ, यहां पे चेंज क्या आया, फटाफट बताओ। What do you think is the change here? What do you think is the change here? एक ग्रुप पास करके प्रैक्टिकल ट्रेनिंग नहीं कर सकते, एक ग्रुप पास करके आप प्रैक्टिकल ट्रेनिंग नहीं कर सकते। पहले क्या था, पहले सर एक ग्रुप करके भी आर्टिकलशिप शुरू हो जाती थी। अब क्या है, 2 साल, यानी आपकी जो 2 साल की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है वो कब शुरू होगी, जब आप बोथ ग्रुप्स पास करोगे, साथ ही साथ जब आप ट्रेनिंग कंप्लीट करोगे, फिर ही आप एलिजिबल होगे आर्टिकलशिप के लिए। मैंने कहा वेरी गुड, फिर ही आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हो सीए फाइनल के लिए। तो एक बात समझ लो, अभी इंटर के बच्चों के साथ दिक्कत ही यही आ रही थी, अभी इंटर के बच्चे इसी से जूझ रहे थे। देवर नॉट एबल टू मैनेज देयर ग्रुप 2, देवर नॉट एबल टू मैनेज देयर आर्टिकलशिप। दोनों चीजें साथ साथ मैनेज नहीं हो रही थी, इस वजह से इंटर के बच्चे ग्रुप 2 में बहुत अटक जाते थे, बहुत भटक जाते थे। तो कहीं ना कहीं वो चीज रिजोल्व हो गई है, वो आईसीआई ने मेरे को लगता है रिजोल्व कर दी है। अब जब तक आपके बोथ ग्रुप्स पास नहीं होंगे, आपको सीए फाइनल पे जाने ही नहीं दिया जाएगा, आपको आर्टिकलशिप के लिए रजिस्टर ही नहीं करने दिया जाएगा। यू नीड टू पास बोथ ग्रुप्स, तभी आप प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए एलिजिबल होंगे। और 2 साल की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है, यानी इन 2 सालों के बीच में जो स्टडी लीव्स होती थी, वो स्टडी लीव्स 2 साल के बाद मिलेंगी, ठीक है सर? अब एक सवाल और क्या था, जो आपके सीए फाइनल के एग्जामिनेशन है, ठीक है, आपने जो एग्जाम देने हैं उसमें सेल्फ पेस्ड मॉड्यूल कब करने हैं? तो फ्लो चार्ट के हिसाब से देखा जाए तो फाइनल के एग्जाम कहां पे हैं? मैंने कहा यहां पे, ठीक है सर। तो ये क्या कह रहा है ना, पहले तो आप अपने 2 साल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के कंप्लीट करो, ठीक है, सेल्फ पेस्ड मॉड्यूल्स कंप्लीट करो,
ट्रेनिंग्स कंप्लीट करो। जब ये तीन चीजें कंप्लीट हो जाएंगी, क्या क्या? पहली चीज 2 साल की आर्टिकलशिप ट्रेनिंग, दूसरी चीज जो आपके सेल्फ पेस्ड मॉड्यूल्स हैं वो, एंड तीसरी चीज जो आपका एडवांस आईटीटी होता है, जो आपका ओसीएमसीएस होता है, ये सारी चीजें जब कंप्लीट हो जाएंगी तभी आप एलिजिबल होगे टू सिट फॉर द एग्जामिनेशन, तभी आप एलिजिबल होगे फॉर सिट फॉर द एग्जामिनेशन। तो प्लीज इस बात को ध्यान रखना, प्लीज इस बात को ध्यान रखना, यू कैन अपियर इन द फाइनल एग्जामिनेशन 6 months आफ्टर द पीटी इज कंप्लीटेड। कहीं ना कहीं अपनी एग्जामिनेशन करके, कहीं ना कहीं अपनी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करके 6 महीने के बाद आप इसमें अपियर कर पाएंगे। तो दिस इज द फ्लो दैट आईसीआई हैज कहीं ना कहीं गिवन टू अस। तो इससे कहीं ना कहीं दिख रहा है कि सेल्फ पेस्ड मॉड्यूल आपने एग्जाम से पहले करने हैं, जो आपका फाइनल एग्जामिनेशन है उससे पहले सेल्फ पेस्ड मॉड्यूल हो जाने चाहिए। एग्जाम्स कितने होंगे इसके ऊपर आईसीआई ने कोई अभी क्लैरिटी नहीं दी है, बट वॉट इज नोन फ्रॉम अनऑफिशियल सोर्स उसको भी अभी कोई डिस्कस करके फायदा नहीं है। 1 जुलाई को आईसीआई विल बी डिस्कसिंग इन डिटेल। बट एक बात ध्यान रखना सर, क्या जो आपका लास्ट इंटरमीडिएट एग्जाम है, जो आपका लास्ट फाइनल एग्जामिनेशन है, अगर आप पॉइंट नंबर 9 देखो उससे क्या पता चलता है सर? पॉइंट नंबर 9 से यह पता चलता है कि इसके बाद फाइनल और इंटर वालों को और मौका नहीं मिलेगा। जो नवंबर 23 एग्जाम है, दैट इज योर लास्ट शॉट, गिव योर बेस्ट। जो आपके पास अभी टाइम है जून का, जुलाई का, अगस्त का, सितंबर का, इसमें जी जान लगा दो दोस्त, इसमें जी जान लगा दो। साफ साफ लिखा है सर, क्या? लास्ट इंटरमीडिएट एंड फाइनल एग्जामिनेशन नवंबर 23 में लास्ट एग्जाम होने वाला है फाइनल का और इंटर का अंडर द एग्जिस्टिंग स्कीम। तो अगर आप एग्जिस्टिंग स्कीम में हो, ये जो वक्त है, ये जो पल आपके पास है, ये सबसे कीमती पल है, ये सबसे कीमती वक्त है। मैं सबसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, क्या सर? प्लीज जिसका भी नवंबर 23 में एग्जाम है, दिस इज योर लास्ट चांस, प्लीज गिव योर बेस्ट। मिल्खा सिंह बोलता था सर किसमें? भाग मिल्खा भाग में। ये मेरी आखिरी दौड़ है, दौड़ूंगा भी वैसे ही। तो आपने उसी तरह से दौड़ लगानी है और नवंबर 23 एग्जाम्स क्लियर करने हैं। जितने भी बच्चे नवंबर 23 वाले अभी देख रहे हैं, सारे बच्चे मुझे कमिटमेंट करो सर, नवंबर 23 में धूम मचा देंगे। प्लीज एवरीवन, भाई साहब नवंबर 23 इज योर अटेम्प्ट। इसमें अपने को छोड़ना नहीं है, इसमें अपने को जी जान लगा देनी है कि अपन क्लियर कर जाए। एंड आई एम श्योर आईसीआई भी सपोर्ट करेगा, आईसीआई भी चाहेगा कि आप इस एग्जाम में क्लियर कर जाए, आपको न्यूज केम का चेहरा ना देखना पड़े, आप एकदम बढ़िया तरीके से क्लियर कर जाए। सो नवंबर 23 में आपका भाई आपके साथ है, सीए फाइनल सीए इंटर ऑडिट में ऑलरेडी बहुत सारी रिवीजन वीडियो डाल रखी है, और भी रिविजनरी कंटेंट अपन लाते रहेंगे, टारगेट सेट करते रहेंगे, मोटिवेशन हाई रखेंगे, एंड नवंबर 23 में रॉक कर देंगे। मैंने कहा मुझे फर्क ही नहीं पड़ता सर क्या होने वाला है मई 24 में जो होगा वो 1 जुलाई को क्लैरिटी से पता चलेगा, बट उससे पहले नवंबर 23 दिख रहा है कि भाई उसमें अपने को रॉक करके चलना है। ठीक है सर, एग्जिस्टिंग स्टूडेंट को आर्टिकलशिप 2 साल नहीं, जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं, जो ऑलरेडी आर्टिकलशिप में है, उनकी 3 साल की ही आर्टिकलशिप कंप्लीट होगी, जितना इस डॉक्यूमेंट को रीड करके समझ आता है। ठीक है, गॉट इट। और बताओ क्या डाउट्स है, व्हाट आर द डाउट्स दैट यू आर हैविंग नाउ? Sir, when can we appear for self-paced modules? Again, I think that detail will be shared by ICI. अभी बस इतना समझ आया कि self-paced module आपको exam से पहले clear करने पड़ेंगे। जो आपका final exam है, उससे पहले self-paced module निकालना पड़ेगा, उसी के बाद आप final के लिए eligible होंगे। Got it? नमन कह रहा है सर ये तो मुझे पहले से पता था। नमन अंतर्यामी है, नमन को सब पता होता है। Great नमन। Exemption का क्या सीन है? Exemption का जो ICI का ड्राफ्ट आया उसके हिसाब से आईसीआई विल शेयर द एग्जेम्पशन स्कीम अगेन ऑन 1 जुलाई। वो पूरी की पूरी बात आप तक जाएगी
पोस्ट ट्रेनिंग होगी कि नहीं, आई एम नॉट श्योर व्हाट दिस डाउट इट ऑल अबाउट। नवंबर में पहली बार बोथ ग्रुप्स हैं, सो आर वी एलिजिबल फॉर टू ईयर आर्टिकलशिप? नहीं, जो आपका नवंबर में एग्जाम है, आपने पहली बार आपकी आर्टिकलशिप ऑलरेडी चल रही है, जिसकी आर्टिकलशिप चल रही है उसकी तीन साल की ही है, जिसकी आर्टिकलशिप चल रही है उसकी तीन साल की है, उसमें कोई दो साल वाला गेम नहीं है। ठीक है सर, मैंने मई 24 की ऑडिट क्लास ले ली थी आपसे, क्या मई 24 के लिए कोई ग्रुप है? मई 24 के लिए भी ग्रुप है, नवंबर 23 के लिए भी ग्रुप है। आप मुझे लिख सकते हो ca.shubhamkeswani@gmail.com, आप अपना बैच रिसीट भेज दो, सो आई विल एड यू टू द ग्रुप। वैसे आप ऑलरेडी ग्रुप पे होने चाहिए थे, पर मुझे नहीं पता क्यों नहीं हो। ठीक है, गॉट इट सर। एक ग्रुप क्लियर हुआ है तो वो कंसिडर होगा न्यू स्कीम में? हाँ, अगर आपका एक ग्रुप क्लियर है, अगर आपका कोई ग्रुप क्लियर है, तो मुझे जितना समझ आता है आईसीआई उसके आपको एग्जेम्पशन देगा, आईसीआई विल प्रोटेक्ट यू, आईसीआई आपको नहीं परेशान करेगा। तो मैं यही बोलूंगा, उसके बारे में ज्यादा मत सोचो, जस्ट फोकस जो इंफॉर्मेशन आईसीआई ने दी है उस पर अभी बस फोकस करके चलो, और कुछ करने की जरूरत नहीं। आई बात समझ? आर्टिकलशिप अभी शुरू नहीं की, अगर आर्टिकलशिप अभी शुरू नहीं की तो जो न्यू स्कीम है उसके हिसाब से आपकी दो साल की आर्टिकलशिप रहेगी। सर ग्रुप वन दिया है, रिजल्ट अवेटेड है, और ग्रुप टू की क्लासेस सब बाकी है, अब क्या करें? भगवान से प्रार्थना करो, वो तुमको थोड़ी सद्बुद्धि दे, क्या कर रहे हो मेरे दोस्त। अगर आपने ग्रुप वन दिया है तो अभी आपका फोकस ग्रुप टू पे होना चाहिए, कहीं ना कहीं ग्रुप टू आपको फोकस करके चलना चाहिए। सो व्हाटएवर टाइम देयर इज इन हैंड, आप ग्रुप टू पे फोकस करके चलो, आप कहीं ना कहीं ग्रुप टू पे फोकस करके चलो। मई 23 की एक्सपेक्टेड रिजल्ट डेट क्या है? मुझे कैसे पता, मैं अंतर्यामी थोड़ी हूं यार, कैसी कैसी बातें करते हो। जुलाई में आएगा, फर्स्ट वीक सेकंड वीक के आसपास। आर्टिकलशिप की रजिस्ट्रेशन करवा लिया है तो तीन साल की होगी ना बाद में? अगर ऑलरेडी आर्टिकलशिप की आपने रजिस्ट्रेशन करा ली है तो जो आईसीआई के डॉक्यूमेंट है उसके हिसाब से इतना ही पता चलता है कि आपको तीन साल की ही आर्टिकलशिप करनी पड़ेगी। Got it सर। आकाश सर को भी बुलाओ, आकाश सर को भी साथ में लेके आएंगे, बट मैं आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट करता हूं, जो भी इंफॉर्मेशन आई है इसका आपकी स्टडीज पे कोई इंपैक्ट पड़ना ही नहीं चाहिए, इसका आपकी प्रिपरेशन पे कोई इंपैक्ट पड़ना ही नहीं चाहिए। अगर आप नवंबर 23 के स्टूडेंट हो, पढ़ाई करो, अगर आप मई 24 के स्टूडेंट हो, पढ़ाई करो। क्या पढ़ाई करें? जो आपको पढ़ाया जा रहा है बस उसके साथ चले रहो। जो भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, चाहे आप नवंबर 23 के स्टूडेंट हो या मई 24 के स्टूडेंट हो, मेरी जिम्मेदारी है, आकाश सर की जिम्मेदारी है कि हम आपको सारी अपडेट्स, हम आपको सारी अमेंडमेंट्स कवर करवा के देंगे। यू नीड नॉट वरी अबाउट इट, आपको उसके बारे में सोचने की जरूरत ही नहीं है। आपका काम है बस जो हम गाइड करते जा रहे हैं उसको फॉलो करो, दैट्स ऑल दैट यू नीड टू डू। कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कोई स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, एंड जस्ट अंडरस्टैंड वन थिंग, आईसीआई इज देयर फॉर यू। जो आईसीआई है वो आपका भला ही चाहेगा, वो कभी भी नहीं चाहेगा कि आपके साथ कुछ गलत हो, बस आपने अपना भला चाहना है। आपने नहीं सोचना कुछ गलत हो रहा है, कुछ सही हो रहा है, नहीं, जो हो रहा है हो रहा है, उसमें हम अपना बेस्ट देंगे, तभी अपन आगे बढ़ पाएंगे। इस थॉट प्रोसेस के साथ, इस माइंडसेट के साथ अगर आप चलोगे तो ये जो जितना भी केओस है, जितनी भी दिक्कतें हैं, जितनी भी परेशानी है, इन सबसे आप फ्री हो जाओगे, कोई टेंशन लेने की फिर जरूरत ही नहीं है। आई बात समझ, बस इतनी सी बात कहीं ना कहीं आपने समझनी है, और मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। दिस इज समथिंग दैट आई वांटेड टू डिस्कस, आई होप कहीं ना कहीं क्लैरिटी मिल गई। और 360 स्टूडेंट्स आर वॉचिंग और 78 लाइक्स है। तुम आईसीआई को बदनाम करते हो कि आईसीआई की पास परसेंटेज कम है, तुम्हारी लाइक परसेंटेज क्या है? You should be happy that something good is happening, something new is happening, and this is your opportunity to show it, कि भाई जब चीजों में changes आ रहे थे, जब चीजों में बदलाव आ रहे थे, उसके बाद भी मैं पास होके निकल गया या पास होके निकल गई, जो भी है, that's the positive attitude that you need to have at this point. So that's all for today. इसी तरह खुशी खुशी मन लगा के पढ़ते रहो, क्योंकि खुशी से पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे, एंड यस, रॉकेट चाहे नवंबर 23 या मई 24, आपको बस अपना एक ही, यू कैन से
टारगेट दिखना चाहिए, दैट इज योर स्टडीज, बस उनको अच्छे से कंप्लीट करो एंड सारी चीजें आपको मिल जाएगी. हैव अ ग्रेट डे अहेड, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, ऑल द बेस्ट.